Hello children, in this particular video we will be studying how to find the sum of n terms of an arithmetic progression. We will derive the formula for finding out n terms, sum of n terms of an AP. Okay, let us consider a situation. We had talked about this particular case in the earlier video also. There is a lady, Shakila. She keeps saving some amount for her daughter. How does she do that? On her first birthday, she put 100 rupees in her money box. On the second birthday of her daughter, she put 150 rupees. On the third birthday, she put 200. She kept saving money every year with an increment of 50 rupees. That means 100, 150, then 200, 250. 300, 350 until her daughter was 21 years of age. यानी 21 साल तक वो इस तरीके से पैसा जमा करते गई और हर साल 50 रुपीस बढ़ाती गई. तो naturally ये AP है, arithmetic progression है. अब question ये है कि वो हर साल जो भी इस तरीके से पैसा डालती गई तो 21 years के बाद उसकी money box में कितना पैसा होगा? What is the total money that is collected in her money box when her daughter was 21 years of age? Yani aapko add karna hai, pehle saal ka 100 plus 150 plus 200 plus 250. Is tarike se 21 years ka aapko add karna padega. Agar hum simply add karenge to baith ke pura likhna padega aur add karna padega. Ye to chote numbers hai, aap add bhi kar lenge. Kabhi kabhi bahut bade bade numbers aate hain aur is tarike se ek arithmetic progression banate hain. Fir aapko add karna hai. तो बहुत टाइम लगेगा. सो इसलिए क्या हम लोग ये सोचेंगे कि क्या कोई छोटा मेथड, इज सम इजियर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सम इजी फॉर्मूला इफ आई कैन पुट एंड डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर? यस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सॉल्विंग द शकीलास केस, लेट अस हियर अनदर स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस. He was a German mathematician, not just a mathematician, he was a physicist, and he has got significant contribution to many fields in mathematics and science. Not only math, science, physics, chemistry, biology, sab mein uska contributions hai, economics mein tak, geography mein bhi hai, bahut sara kaam kiya hai unhone. To jab Karl Gauss chote the, uske kehte hain uske father, mother, sab log usko bahut encourage karte the bachpan se hi. तो कार्ल गॉस जब कार्ल फ्रेडरिक गॉस जब छोटे थे, कहते हैं ये स्टोरी है, उसके टीचर ने उसको एक क्वेश्चन दिया, उसको ही नहीं पूरे क्लास को एक क्वेश्चन दिया. द क्वेश्चन वाज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100. 1 to 100 में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होता है, 100 तक होता है, यानी 1 से 100 तक का सारे नंबर्स को ऐड करना. सब बच्चे हल्ला मचा रहे थे तो टीचर ने काम दे दिया, चलो ये काम करो, बैठ के 1 से लेके 100 तक सब कुछ सबको ऐड करो. सारे बच्चे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐड करने के. लेकिन कार्ल ने क्या किया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या किया वो देखो. सब बच्चे ऐड करने बैठे तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या किया, उसने पहले लिखा सम s = 1 + 2 + 3 + ....98 + 99 + 100. इसका सम करना. एक और चीज उसने किया, उसी को उल्टा लिख दिया, 100 प्लस 99 प्लस 98 डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1. ये भी वही होगा, ऐसे ही होगा, सम ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है एडिशन इज कम्यूटेटिव. फिर उसने एक और स्मार्ट वाला चीज किया, इन उसने सबको ऐड किया, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को ऐड किया और ग्रुपिंग किया उसने, इसको और इसको आपस में ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, एस प्लस एस टू एस हो गया. फिर 100 को 1 एंड 100 को साथ लिखा, 2 एंड 99 को साथ लिखा, 3 एंड 98 को लिखा. वैसे ही जब लिखते गए लास्ट में 98 एंड 3, 99 एंड 2 एंड 100 एंड 1 आया, ठीक है. इन सबको जब ऐड किया तो हर एक टर्म उसने देखा 101 आएगा, ये भी 101, ये भी 101, अगला भी 101, 101, 101, ऐसे 100 टाइम्स आएगा, ठीक है. तो यानी इसका सम कितना होगा, ये 2s का सम होगा 101 इंटू 100, बिकॉज 100 टाइम्स आएगा, 101 इंटू 100. अब s निकालना है तो क्या होगा, आपको s निकालना है, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी 100 इंटू 101 अपॉन 2. तो सम क्या आया, 5050. तो सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स
5050, कोई भी बच्चा बोलने से पहले विद इन सेकेंड उसने आंसर दे दिया। उसी प्रिंसिपल को यूज करके बाद में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी डेवलप हुआ। तो सपोज हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। अगर हमें उसका सम निकालना है तो क्या हो जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, ये ए प्लस एन माइनस टू डी एक टर्म पहले, और लास्ट टर्म होगा ए प्लस एन माइनस वन डी। ये एनथ टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये उससे पहले वाला का एन माइनस वन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये सेकेंड और ये फर्स्ट टर्म। फिर उसने क्या किया, इसी को जैसे कार्ल गॉस ने किया वैसे हम उसको उल्टा लिखते हैं। तो सबसे पहला टर्म होगा, ये होगा आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी एंड इस तरीके से, एंड ये सेकेंड लास्ट और ये लास्ट, उसको उल्टा लिखा। फिर जैसे उन्होंने उसमें किया इन दोनों को ऐड करेंगे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिट। द फर्स्ट सीरीज इज ए प्लस डी प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस टू डी सेकेंड लास्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन डी। जस्ट एज गॉस हैड डिड वी विल जस्ट रिवर्स दिस टर्म, उसको उल्टा करेंगे। तो ए प्लस एन माइनस डी विल कम फर्स्ट, देन ए प्लस एन माइनस टू डी डॉट 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 सेकेंड लास्ट टर्म विल बी ए प्लस डी एंड द लास्ट टर्म विल बी ए। नाउ वी वॉन्ट टू एड दिस, एस एन एस विल बिकम टू एस। द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ द सीरीज आई हैव हाईलाइटेड विथ येलो आपको समझ में आने के लिए, एड करेंगे ए प्लस ए टू ए हो जाएगा प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये आपका पहला टर्म है। दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी और ए प्लस एन माइनस टू डी, ए एंड ए टू ए हो जाएगा, एन माइनस टू डी के साथ एक और प्लस डी हो जाएगा। तो वो उसको अगर ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यही आएगा, ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन डी आएगा। वैसे ही आपका इसका सेकेंड लास्ट टर्म और इसका सेकेंड लास्ट टर्म हैव हाईलाइटेड बोथ विद पिंक, सो ए एंड ए बिकम्स टू ए एन माइनस टू डी एंड दिस प्लस डी व्हेन यू ऐड यू विल गेट एन माइनस वन डी। Now the last term I have highlighted with blue color. It is easy to add a plus n minus 1d and a. So a plus a will be 2. So a plus n minus 1d. So you are having the same term everywhere. 2a plus n minus 1d, 2a plus n minus 1d. How many times? Because there are n terms, we will have this particular value n times. ठीक है? So यहाँ हो जाएगा 2s and 2a plus n minus 1d n times. n टाइम्स मतलब n इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब मुझे s का वैल्यू निकालना है तो ये 2 नीचे चला जाएगा, सो n इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब बात करते हैं तो सम का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। The same formula can be interpreted in another way. ठीक है, एक और तरीके से हम interpret करते हैं इसको। कैसे? अभी हमने formula, हमको what is the formula we got? S is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d. That 2a I'm splitting it as a plus a n minus 1d. Now if you see very carefully, a was your first term and a plus n minus 1d is the formula for the last term. A का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म और ये जो है किसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है। सो आई विल गेट एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दैट मीन्स इफ यू नो इन अ सीरीज, अगर एक सीरीज में आपको ये पता है फर्स्ट टर्म क्या है लास्ट टर्म क्या है और आपको मालूम है उसमें कितने टर्म्स है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सम का फॉर्मूला आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। जैसे 1 से लेके 100 तक How many terms you have got? 100 terms. आपको first term मालूम है 1, last term मालूम है 100. So 100 by 2 into 1 plus 100. आपके पास 100 terms है upon 2. First term आपका 1 है, last term आपका 100 है. So 1 plus 100, 101, यहाँ into 100 by 2. Again you will get the same answer, 5050. Is that clear? Back to the question which we had begun with. Shakila was putting money in a money box on the day of her daughter's birthday from her first year. Pehle year mein 100 dala, second year mein 50 badhaya 150, third year mein 200 dala, fourth year mein 250, and till 21 years she was keeping the money, putting the money in the money box. And the question was, how much money was there in her money box on after the 21st
birthday. So this particular 100, 150, 200, 250 up to 21 years or 21 terms forms an AP. So I want to find the sum of all these. Total money matlab sum karna padega pura. That means I have to find 100 plus 150 plus 200 plus 250 up to 21 terms. Last n jo hai 21st term tak aapko sum nikalna hai. Theek hai? So the total money inside her box will be 100 plus 150 plus 200 plus 250 up to 21 terms. So because till 21 years we are finding out, so this becomes an AP. And here what should I find out? I have to find out sum of all these terms. That will give you the total money. So here I can use the formula sum of n terms of an AP. S is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Here what is the first term? A. A is 100. The common difference d is 50. And number of terms n is 21. S stands for the sum. So I'll substitute all the values. So I get 21 by 2, 2 into 100 plus 21, n is 21, 21 minus 1 and d is 50. So when I solve this, it is 200 plus 1000 and here it will be 21 by 2 inside the bracket 200 plus 1000. So when I solve this, I'll get 12,600 rupees. So on the 21st birthday, after 21st birthday, if she opens her box, she will find herself a gift of 12,600 rupees. It's actually the money she had been saving every year. Okay, so here we have used successfully the formula for sum of n terms of an AP and found the value. So using this formula, now you have to solve the different questions given in your exercise. Okay.